कहानी की शुरुआत होती है न्यूयॉर्क में स्थित चाइना टाउन से। जेसन नाम का एक लड़का गहरी नींद में होता है। जेसन एक मंकी को ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर लड़ता हुआ देखता है, पर अचानक उसकी नींद खुल जाती है। जेसन चाइनीज मूवीज का इतना बड़ा फैन होता है कि उसे सपने भी चाइनीज हीरोज के आते हैं। जेसन उठता है और सीधे पास की एक शॉप में जाता है। इस शॉप में बहुत सारी चाइनीज मूवीज का कलेक्शन होता है। ये दुकान काफी पुरानी हो चुकी होती है और अब एक बूढ़े चाइनीज अंकल इस दुकान को चला रहे होते हैं। जेसन यहाँ इतनी बार आ चुका होता है कि उसकी और बूढ़े अंकल की अच्छी दोस्ती हो जाती है। जेसन अंदर जाता है और मूवी कैसेट्स देखने लगता है, पर अचानक उसकी नजर एक गोल्डन छड़ी पर पड़ती है। वो उस छड़ी को उठाकर देखने लगता है। तभी अंकल वहाँ आ जाते हैं और जेसन को बताते हैं कि ये छड़ी यहाँ तब से है जब मेरे दादाजी ने ये दुकान खोली थी। दादाजी कहते थे कि इसे लेने कोई आदमी आएगा, पर आज तक वो आदमी नहीं आया है। जेसन कहता है कि मैंने इस छड़ी को पहले देखा है, पर वो अंकल उसकी बात टाल देते हैं और उसे बाहर ले जाते हैं। जेसन को वापस घर जाते टाइम एक लड़की दिखती है और वो उससे बात करने लगता है, पर तभी वहाँ कुछ बदमाश लड़के आ जाते हैं और जेसन को बुली करने लगते हैं। एक लड़का कैसेट्स देखकर कहता है कि जेसन उस बुड्ढे शॉप ओनर का दोस्त है। ये बात सुनते ही उनका लीडर लूपो कहता है कि क्या तुम हमें उस बुड्ढे की दुकान में एंट्री दिलवा सकते हो। जेसन ना चाहते हुए भी उन बदमाशों को शॉप में ले जाता है। वो बदमाश लड़के शॉप में घुसकर बूढ़े अंकल से पैसे के बारे में पूछते हैं, पर अंकल बताने से साफ मना कर देते हैं, जिसके बाद वो लड़के शॉप को लूटने लगते हैं। अपनी शॉप को बर्बाद होता देख बूढ़े अंकल उस गोल्डन छड़ी से एक बदमाश पर हमला कर देते हैं। ये देखकर लूपो अंकल को गोली मार देता है। अंकल जेसन से कहते हैं कि तुम ये छड़ी इसके असली मालिक तक पहुंचा देना। जेसन तुरंत वहां से जान बचाकर भागने लगता है और बदमाशों को लगता है कि जेसन अब पुलिस को सब कुछ बता देगा, इसीलिए वो भी उसका पीछा करने लगते हैं। जेसन उस छड़ी को लेकर भागता हुआ बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाता है, पर लूपो और उसके साथी भी वहां पहुंच जाते हैं। अब लूपो जेसन को गोली मारने वाला होता है कि अचानक जेसन बिल्डिंग के नीचे गिर जाता है। अब जब जेसन की आंख खुलती है तो वो बिल्कुल ही नई दुनिया में होता है और उसके बॉडी पर चोट के कोई निशान नहीं होते। वो एक छोटे से हट में होता है और एक बूढ़ी औरत उसे चाय ऑफर करती है, पर जेसन घबराकर बाहर आ जाता है। वो एक आदमी से पूछता है कि ये कौन सी जगह है और मैं यहाँ कैसे आया। वो आदमी कहता है कि तुम एक फरिश्ते हो जो हमें राजा के जुल्मों से बचाओगे। जेसन को कुछ समझ नहीं आता और वो देखता है कि राजा के सिपाही उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। वो सिपाही गांव वालों को मारने लगते हैं और जेसन का पता पूछते हैं। जेसन छिप जाता है, लेकिन जाते जाते सेनापति उसे देख लेता है और सिपाहियों को कहता है जाओ उसे पकड़ लाओ। सिपाही जेसन पर हमला कर देते हैं और वो अपनी जान बचाने लगता है। जेसन लड़ ही रहा होता है कि वहाँ एक बेवड़ा जिसका नाम लू यान होता है वहाँ आ जाता है और एक एक करके सभी सिपाहियों को ढेर कर देता है। लू यान जेसन के हाथ में वो छड़ी देखता है और पूछता है कि तुम्हारे पास ये छड़ी कहाँ से आई, लेकिन जेसन को कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। लू यान जेसन को अपने साथ एक बार में ले जाता है और बताता है कि बहुत साल पहले एक भविष्यवाणी हुई थी कि एक आदमी आएगा और सभी मासूम लोगों को जेड वारलॉर्ड के हाथों से बचाएगा। जेसन कहता है मगर मैं कैसे बचा सकता हूँ किसी को, जिस पर लू यान कहता है कि तुम्हें ये छड़ी मंकी किंग को लौटानी होगी। मंकी किंग को उसकी छड़ी के साथ हराना इम्पॉसिबल है। दरअसल तुम इस वक्त हेवन में हो और हेवन पर किंग जेड का राज है। अभी हेवन की देखभाल जेड वारलॉर्ड करता है। तुम अपने सपने में जो कुछ देखते थे वो यही का सीन होता है और वो बंदर ही मंकी किंग है। मंकी किंग पहले एक खतरनाक फाइटर हुआ करता था और अकेले ही जेट की पूरी सेना पर भारी पड़ता था। उसकी लड़ाई के चर्चे पृथ्वी लोक से लेकर पंच तत्व के पहाड़ों तक थे। पंच तत्व पहाड़ वो पहाड़ है जहाँ दुनिया की सभी अमर आत्माएं आती हैं और अमृत पीती हैं। इस अमृत को पीने वाले इंसान के सभी दुख दर्द खत्म हो जाते हैं और फिर उन्हें कोई नहीं मार सकता। किंग जेट 500 सालों में एक बार इन पहाड़ों पर आते हैं और अमृत पीते हैं। एक बार मंकी किंग भी वहाँ पहुँच गया था और उल्टी सीधी हरकतें करने लगा। किंग जेड उसे देखकर हंसने लगे और जेड वारलॉर्ड को कहा कि इस बंदर को इज्जत के साथ छोड़ दिया जाए, और इतना कहकर किंग जेड वापस 500 सालों के लिए तपस्या करने चले गए। पर जेड वारलॉर्ड ने उनकी बात नहीं मानी और मंकी किंग को अपने महल में फाइट करने की चुनौती दे दी। जेड वारलॉर्ड ने अपनी सारी तरकीबें अपनाई
लेकिन मंकी किंग को नहीं हरा पाया। मंकी किंग अपने एक बाल से अपने जैसा एक और मंकी किंग बना सकता था और उसमें भी मंकी किंग जैसी पावर होती थी, लेकिन एंड में वार्लॉर्ड ने धोखे से मंकी किंग को उसकी छड़ी से अलग करके उसे पत्थर में कैद कर दिया। अब मंकी किंग तभी आजाद होगा जब कोई उसे उसकी छड़ी वापस लौटाएगा, और तब तक हमें जेड वार्लॉर्ड के अत्याचार को सहना पड़ेगा। लू यान बातों बातों में शराब पीकर टुन्न हो जाता है और जब बिल भरने की बारी आती है तो जेसन के माथे डाल देता है। जेसन अपनी जेब से डॉलर्स निकालकर बार ओनर को देता है, जिसे देखते ही बार ओनर का माथा चकरा जाता है और वो ये सब बात सिपाहियों को बताता है। वो दोनों किसी तरह खुद को बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। एक लड़की गोल्डन स्पैरो वो भी उनकी भागने में मदद करती है। वार्लॉर्ड ने गोल्डन स्पैरो की पूरी फैमिली को मार डाला था और इसीलिए वो भी वार्लॉर्ड से बदला लेना चाहती थी। वो लोग भागते हुए एक जंगल में पहुंच जाते हैं, पर लुयान कहता है कि अब मुझे वापस जाना होगा क्योंकि मेरी शराब खत्म हो गई है और मैं शराब के बिना जिंदा नहीं रह सकता। पर जेसन कहता है कि मुझे कुंग फू सिखाओ वरना मैं मंकी किंग तक नहीं पहुंच पाऊंगा। इसके बाद लुयान जेसन को कुंग फू सिखाने लगता है। एक बार जब जेसन प्रैक्टिस से थका हुआ होता है तब सफेद पोशाक पहने एक मोंक आकर उसकी छड़ी छीन लेता है। जेसन ये बात लुयान को बताता है और फिर लुयान उस मोंक की खोज में निकल जाता है। उधर सेनापति जाकर सारी बात जेड वार्लॉर्ड को बताता है और फिर वार्लॉर्ड छड़ी लाने की जिम्मेदारी एक विच को देता है। वो विच जेसन और लुयान को ढूंढने लगती है और आखिरकार उसे बार में उनका सुराग मिल जाता है। इधर लुयान को एक पुराने मंदिर के पास वो मोंक मिलता है और वहाँ दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के बीच में ही वो मोंक उसे बताता है कि वो उस आदमी की तलाश में है जो ये छड़ी मंकी किंग तक पहुंचाएगा। लुयान कहता है कि जेसन ही वो आदमी है जिसे इस काम के लिए चुना गया है। इसके बाद वार्लॉर्ड के महल की तरफ उनका सफर शुरू हो जाता है। रास्ते में लुयान और मोंक मिलकर जेसन को कुंग फू सिखाते हैं। जेसन ने इतनी सारी चाइनीज मूवीज देखी होती है कि वो बहुत जल्दी ही कुंग फू सीखता जाता है। चलते चलते वो सभी डेजर्ट में पहुंच जाते हैं। विच को जब इस बात का पता चलता है कि वो लोग मंकी किंग को आजाद कराने जा रहे हैं तब वो भी डेजर्ट की तरफ जाती है, लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। जेसन और बाकी लोग डेजर्ट पार कर चुके होते हैं और महल के काफी करीब पहुँच जाते हैं। विच भी अपनी रफ्तार बढ़ा देती है और फूलों के जंगल में उन्हें पकड़ लेती है। उनके बीच फाइट होती है पर जेसन और साथी बच के भागने में कामयाब हो जाते हैं। विच उन्हें स्लो करने के लिए अपना आखिरी वार करती है और उसका एरो जाकर लुयान को लग जाता है। लुयान अपने घोड़े से गिर जाता है और ये देखकर बाकी साथी उसकी जान बचाने के लिए उसे पास के एक आश्रम में ले जाते हैं। आश्रम के वैद्य उन्हें बताते हैं कि लुयान की चोट गहरी है और अब उसके पास बहुत कम टाइम बचा है। जेसन पूछता है कि क्या लुयान को बचाने का कोई तरीका नहीं है, जिस पर वैद्य उसे बताते है कि लुयान को सिर्फ अमृत से बचाया जा सकता है और ये अमृत वार्लॉर्ड के महल में है। जेसन ना आओ देखता है ना ताओ और सीधे जेड वार्लॉर्ड के महल में पहुंच जाता है। वार्लॉर्ड उसे कहता है कि मैं तुम्हें अमृत दे दूंगा पर तुम्हें विच को हराना होगा। जेसन रेडी हो जाता है और विच से फाइट करने लगता है, लेकिन विच बहुत ही पावरफुल होती है और बड़ी आसानी से जेसन को हरा देती है। वार्लॉर्ड छड़ी लेकर उसे जलते हुए लावा में फेंक देता है, लेकिन तभी मोंक वहां आकर छड़ी को बचा लेता है और उनसे फाइट करने लगता है। गोल्डन स्पैरो भी फाइट में उसकी मदद करती है। इधर मौका देखकर जेसन अमृत उठाकर लुयान के पास फेंक देता है और उसे पीते ही लुयान पूरी तरह से ठीक हो जाता है। घाव भरते ही लुयान भी फाइट में इन्वॉल्व हो जाता है। लुयान विच को धूल चटा देता है। इधर मोंक वार्लॉर्ड से हारने लगता है और समझ जाता है कि वार्लॉर्ड की पावर्स का मुकाबला करना उसके बस की बात नहीं। मोंक छड़ी जेसन के पास फेंक देता है और कहता है कि इस छड़ी से मोंक किंग को छू दो। वार्लॉर्ड उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जेसन कामयाब हो जाता है। छड़ी को छूते ही एक वेव आती है और सब कुछ हिलने लगता है। वार्लॉर्ड के सारे सैनिक मारे जाते हैं और वो देखता है कि मंकी किंग पत्थर से आजाद हो चुका है। मंकी किंग के आजाद होते ही मोंक गायब हो जाता है और एक बाल बन जाता है। जेसन को तब पता चलता है कि मोंक कोई असली आदमी नहीं बल्कि मंकी किंग का एक जादू है। ये देखकर उसके तो होश उड़ जाते हैं। मंकी किंग के पास उसकी छड़ी आ चुकी होती है और अब उसे छू पाना भी मुश्किल होता है। वार्लॉर्ड लाख कोशिशें करता है लेकिन मंकी किंग का बाल भी बाका नहीं कर पाता। इधर गोल्डन स्पैरो भी बहुत गुस्से में होती है और वार्लॉर्ड पर अपनी जादुई पिन से अटैक करती
करती हैं, पर वारलॉर्ड को कुछ नहीं होता। उल्टा वारलॉर्ड उस पर अपनी पावर से अटैक कर देता है। वो घायल होकर जमीन पर गिर जाती है। जेसन स्पेरो के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है। स्पेरो उसे अपनी पिन देती है और वारलॉर्ड की तरफ इशारा करती है। दरअसल ये एक जहरीली पिन होती है जिससे किसी भी पावर्स को खत्म किया जा सकता है। मंकी किंग अपनी पावर से वारलॉर्ड को जेसन की तरफ फेंकता है और जेसन वो पिन उसकी चेस्ट में घुसा देता है। पिन घुसते ही वारलॉर्ड की सारी पावर्स खत्म होने लगती है और वो लावा में गिर जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। स्पेरो पूछती है कि क्या वारलॉर्ड मर गया, और जेसन जवाब देता है हाँ वो मर चुका है। ये सुनकर स्पेरो जेसन को थैंक यू कहती है और उसकी भी मौत हो जाती है। जेसन को स्पेरो से प्यार हो गया था और इसीलिए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब वारलॉर्ड की मरने की बात सुनकर किंग जेड वापस आते हैं। उन्हें पता चलता है कि वारलॉर्ड ने बहुत आतंक मचा रखा था और जेसन ने लोगों की जान बचाने में मदद की। किंग जेड जेसन से उसकी एक विश पूछते हैं और जेसन कहता है कि मुझे सिर्फ अपनी दुनिया में जाना है। किंग जेड कहते हैं कि तुम्हारी विश पूरी हो जाएगी। जेसन लू यान और मंकी किंग को अलविदा कहता है। लू यान कहता है कि मैं तुम्हारा गुरु हूँ और किसी भी दुनिया में गुरु और शिष्य को अलग नहीं किया जा सकता। जेसन हेवन के गेट से वापस धरती पर जाता है और बिल्कुल उसी जगह पहुंच जाता है जहां वो गिरा था। लूपो भागते हुए जेसन के पास आता है और उसे मारने लगता है, पर इस बार जेसन को कुंग फू आता है और वो लूपो की खूब पिटाई करता है। जेसन की फाइटिंग स्किल्स देखकर लूपो के दोस्तों की हालत खराब हो जाती है और वो वहां से दुम दबाकर भाग जाते हैं। जेसन तुरंत एम्बुलेंस के पास जाता है और बूढ़े चाइनीज अंकल की हेल्थ के बारे में पूछता है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि गोली दिल के पास से गुजरी है, पर अंकल बच जाएंगे। जेसन अंकल की तरफ देखता है और उसे उनमें लू यान की शक्ल दिखाई देती है और उसे ये भी पता चलता है कि एक खूबसूरत लड़की पास में ही एक रेस्टोरेंट चलाती है और रेस्टोरेंट का नाम है गोल्डन स्पैरो।